हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो आज हम बात करेंगे मेजर फीचर्स ऑफ रिएक्ट क्या हैं। ठीक है, मेजर फीचर्स ऑफ रिएक्ट आर uses the JSX syntax, a syntax extension of the JS that allows developers to write HTML in their JS code। तो JSX syntax जो है हम इसमें यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, HTML और JS का कोड इकट्ठे क्या करते हैं, बाइंड करके लिखते हैं। ठीक है, सेकंड है कि इट यूजेस वर्चुअल डोम इंस्टेड ऑफ रियल डोम। ठीक है, ये वर्चुअल डोम यूज करती है, अब एक कॉपी बनाती है रियल डोम का, उसके अंदर जो भी अगर उसको लगता है कि हाँ वर्चुअल डोम में एग्जिस्टिंग चेंजेस हैं, कंपेयर करती है, डिफिंग करती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज आता है, तो रियल डोम में क्या होता है, मैनिपुलेशंस होती हैं। ठीक है, सपोर्ट सर्वर साइड रेंडरिंग व्हिच इज यूजफुल फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्वर साइड रेंडरिंग SSR जिसे कहते हैं, वो सपोर्ट करती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। फॉलोज द यूनिडायरेक्शनल और वन वे डेटा फ्लो और डेटा बाइंडिंग। यूजेस रीयूजेबल कंपोजिबल UI कंपोनेंट्स टू डेवलप द व्यू। ठीक है, तो रियूजेबल कंपोनेंट्स मैंने बताया, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, वन वे डेटा बाइंडिंग होती है इसमें। ठीक है, सपोर्ट करती है SSR सर्वर साइड रेंडरिंग, और वर्चुअल डोम का तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ही है आपको कि जब चेंजेस को वो क्या करती है, रियल डोम का एक कॉपी बनाती है, फिर चेक करती है कि इसके अंदर चेंजेस हैं, कोई हमने स्टेट अपडेट किया, कोई कॉम्पोनेंट अपडेट किया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करता है, वो रियल डोम में मैनिपुलेशंस करती है, एल्स वो नहीं करती जब तक उसको चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है, और JSX सिंटैक्स वगैरह ये यूज करती है, जिससे कि हम HTML और जावास्क्रिप्ट का कोड जो है इकट्ठे लिख सके। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे। ठीक है, कंपोनेंट बेस इसका सारा का सारा आर्किटेक्चर कंपोनेंट के बेसिस पे सब कुछ चलता है इसका। ठीक है, रिएक्ट फॉलोज अ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर वेयर UI आर डिवाइडेड इनटू द रियूजेबल एंड इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। इंडिपेंडेंट है, जब चाहे जहां चाहे वहां क्या कर सकते हो आप, यूज कर सकते हो। ठीक है, दिस प्रमोट्स द कोड रिजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, मॉड्युलैरिटी, मेकिंग इट इजियर टू मैनेज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स UIs। ठीक है, वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, रिएक्ट यूजेस अ वर्चुअल डोम टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस इंस्टेड डायरेक्टली अपडेटिंग द रियल डोम। रिएक्ट क्रिएट्स अ लाइटवेट कॉपी ऑफ डोम इन द मेमोरी। ठीक है, बार बार रियल डोम में अपडेट करने से बेटर क्या करती है रिएक्ट, रिएक्ट क्या करती है, एक लाइटवेट कॉपी बनाती है डोम की मेमोरी के अंदर, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल डोम। ठीक है, फिर कंपेयर करती है विद द प्रीवियस वर्जन, जो प्रीवियस वर्जन था और अब जो हमारे पास वर्चुअल डोम में पड़ा वो क्या है। ठीक है, फिर कैलकुलेट करते हैं मिनिमम चेंजेस रिक्वायर्ड टू अपडेट द एक्चुअल डोम। दिस अप्रोच रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एक्सपेंसिव डोम मैनिपुलेशन लीडिंग टू द फास्टर UI रेंडरिंग। ठीक है, JSX रिएक्ट अलाउ डेवलपर्स टू यूज द JSX। ठीक है, हम इसमें JSX मतलब HTML और जावास्क्रिप्ट कोड इकट्ठे ही यूज करते हैं। दैट अलाउज यू टू राइट HTML लाइक कोड विद इन जावास्क्रिप्ट। JSX मेक्स द कोड मोर रीडेबल, मेक्स इट इजियर टू विजुअलाइज द कंपोनेंट ट्री। ठीक है ना, इससे क्या होता है कि पहले अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखे फिर HTML का, बट ये जो है मतलब स्ट्रक्चराइज करके देती है चीजों को JSX। ठीक है, वन वे डेटा बाइंडिंग होती क्या है, ये React enforces one-way data flow where data flows from parent component to the child component through the props। One way ही होता है, एक component से दूसरे component में data pass करना है via props, उसी के through possible हो पाता है। This ensures predictable data flow and helps to prevent side effects and the data inconsistency। Next है हमारे पास state management। ठीक है, React components can have the state। हर एक component की state होगी which represents mutable data that can be changed over the time। ठीक है, तो suppose मान लो कि बटन के क्लिक पे मैंने कुछ लाइक काउंटर चला दिया, जैसे इंक्रीमेंट कर लिया, डिक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, तो हम उसकी स्टेट ही अपडेट करते हैं। ठीक है, तो React provides a clear and predictable way to handle the dynamic user interactions and the UI updates। डायनेमिक इंट्रैक्शंस भी होती है इसकी UI के अपडेट्स के अंदर। मैंने बटन क्लिक किया या मैंने ऑन फोकस किया, ठीक है, तो वो सारी स्टेट मैनेजमेंट भी इसमें आती है। ठीक है, तो स्टेट मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट, स्टेट और प्रॉप्स सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके। ठीक है, विदाउट स्टेट मैनेजमेंट हम कर ही नहीं पाएंगे कुछ भी। ठीक है, लाइफ साइकिल मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है इसके। React components have a lifecycle methods that allow developers to control the behavior of the components at a specific point in their life cycle। ठीक है, जब मतलब कि जैसे ही कॉम्पोनेंट रेंडर हुआ क्या कॉल करना है, ठीक है, कंपोनेंट माउंट हुआ या अनमाउंट हुआ है, तब कौन सी प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट, जैसे यूज इफेक्ट हो गया, यूज स्टेट हो गया। ठीक है, तो ये उस लाइफ साइकिल मेथड्स इंपॉर्टेंट वहाँ होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि रेंडर होने से पहले इसे कॉल कराना है या रेंडर हो जाने के बाद कॉल करवाना है, उस केसेस में लाइफ साइकिल मेथड्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो ये था कि क्या है रिएक्ट के आपके मेजर फीचर्स। इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.